यहाँ बंदर बहुत ज्यादा है, छोटे बंदर तो बहुत है, सारे छोटे ही दिख रहे हैं। यहाँ लगता है इनके मम्मी पापा खाना लाने गए हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं। और ये सामने ही चवन ऋषि आश्रम मिल गया है हमें। देखिए यहाँ भी बंदर, सारी तरफ बंदर ही बंदर। लकड़कोट जंगल के बीच में चवन ऋषि आश्रम, श्री सिद्ध चवन ऋषि उदासीन आश्रम, महोदरी धाम। महोदरी गांव है ये, जिला खरगोन पड़ता है। चवन ऋषि आश्रम है, और यहां से मंदिर। चवन ऋषि आश्रम और यहाँ पे अमृत कुंड है, ये अमृत कुंड है। इस कुंड का नेत्र चिकित्सा के लिए उपयोग होता है, अमृत कुंड का। दीप्तेश्वर महादेव, दीप्तेश्वर महादेव मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, ये अमृत कुंड महादेव जी, ये नेत्र चिकित्सा के लिए इस पानी का यू उपयोग होता है। और चवन ऋषि यहाँ पे, चवन ऋषि और सुकन्या देवी, सारे मंदिर बंद है दोस्तों। अरे यहाँ पे चवनेश्वर महादेव है, चवन ऋषि की तपस्थली है। ये महोदरी में है, महोदरी। महोदरी माता है हिडिंबा देवी, हिडिंबा माता जो है उनके कुलदेवती है, कुलदेव है, कुलदेवी। बस सारा बंद है ना,
वो खुला है, जा सकता हूँ? महोदरी माता वो है जो हिडिंबा थी, मतलब महोदरी माता। महोदरी माता हिडिंबा देवी के, हिडिंबा जो भीम जी की पत्नी थे, उनकी कुल देवी थी। भीम जी को दो पुत्र, नहीं एक पुत्र था जिनका नाम घटोत्कच था, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, मतलब राजस्थान में खाटू श्याम बाबा मंदिर है वो बर्बरीक जी का है, श्री कृष्ण कृपा से। आश्रम मोदरी, ये अमृत कुंड है, यहाँ पे चौनेश्वर महादेव की स्थापना चमन ऋषि के तपस्थली की वजह से, अमृत कुंड यहाँ पे परिक्रमावासी के लिए रुकने के लिए व्यवस्था। च्यवन ऋषि आए, आश्रम आए तो आप जरूर रुकिए। सोनेश्वर महादेव जोड़ा यहाँ पे एक बत्तख का। यहाँ पे बंदरों के लिए पानी रखा हुआ है, और ये पानी हमेशा चलता रहता है ऐसे ही, यहाँ बंदर आके पानी पीते। वो क्या लगाया क्या पता नहीं, या पानी पहले से आता होगा यहाँ से ऊपर, बंदर यहाँ पे पानी पीते। ये देखिए
ये नाग देवता का घर, ये मेरे से भी बड़ा है। लक्कड़कोट जंगल में एक ग्रुप के साथ चल रहा हूँ मैं। लक्कड़कोट जंगल में ये कच्चा रास्ता है चवन आश्रम के बाद पूरा, यहाँ वहाँ दोनों तरफ जंगल है और यहाँ जीव हमला कर सकते हैं। इस वजह से जो ग्रुप होता है उनके साथ साथ सब लोग चल पड़ते। अब ये 12 किलोमीटर रास्ता है कुंडी तक, ऐसा ही रास्ता है बिल्कुल, दोनों साइड से जंगल, बीच में एक कच्चा रास्ता जाएगा, वहाँ से चलना है। और यहाँ से जाते हुए चवन आश्रम से ही आप पानी भर लीजिए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा रास्ते में कहीं। पानी झरने वगैरह मिल सकते हैं लेकिन देखेंगे, अभी मुझे भी नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन हमने तो भर लिया सबने पानी। देखिए ये फल किसी को पता होगा तो बताइए जरूर ये क्या है। क्या है बताइए जरूर। और ये इस पेड़ का है, इस पेड़ का लक्कड़कोट जंगल में ऑलमोस्ट, लक्कड़कोट का जंगल हम बहुत दूर तक आए हैं। अब दूर तक आने के बाद एक हनुमान मंदिर आया है यहाँ पे, थोड़ा सा साग का जंगल थोड़ा सा साइड में रह गया। और यहाँ पे एक झरना है, ये देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है वो ताज़ा ताज़ा, यहाँ पे झरना है और ये पीने लायक पानी है। और यहाँ पे पानी पी सकते हैं आप लक्कड़कोट में अगर। ये खोड़ियार माँ, जय माँ खोड़ियार मंदिर जाने का रास्ता, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर के पास में है झरना, अगर ज़्यादा ही प्यास लगी है आपको, पानी ख़त्म हो गया है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना ही होगा। चवन आश्रम से ये लगभग है 9 किलोमीटर दूर। चवन आश्रम से आप आते थे पानी ख़त्म हो जाता है, तो 9 किलोमीटर दूर आपको पानी मिलेगा। घना जंगल है, शांत और सुंदर। ये ग्राम कुंडी है चवन आश्रम से 15 किलोमीटर दूर, लगातार जंगल से चलने के बाद ग्राम कुंडी आता है। यहाँ पे रहने की सुविधा मंदिर में है, हनुमान मंदिर में, लेकिन हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा आगे निकलने की सोच रहे हैं, बड़ेल बड़ेल गांव तक जाने की सोच रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, आदिवासी क्षेत्र लक्कड़कोट का, जंगल के बीचों बीच ये गांव है सब, साइड में सारा जंगल है, फिर भी अच्छा गांव है, खेती बाड़ी सब है। बड़ेल की तरफ जा रहे हैं हम, कुंडी से बड़ेल। ये देखिए पेड़ कितना बड़ा है, ये जड़ कैसे गई है। यहाँ पे एक नदी छोटी सी, जब अभी तो पानी नहीं है, जब पानी होता होगा पानी आता होगा ज़्यादा। कुंडी गांव इस साइड, सुंदर सूर्यास्त का नज़ारा, लेकिन सूर्यास्त अभी होगा नहीं, अभी बहुत देर है। अब दोनों साइड जंगल है, इधर थोड़ा सा दूर चलने के बाद बड़ेल की तरफ एक रास्ता मुड़ गया जो छोटा सा है। दोनों साइड जंगल, लक्कड़कोट का जंगल, और यहाँ एक छोटा सा रास्ता बड़ेल की तरफ जाता हुआ।
और यहाँ जगह जगह पे ऐसी लगाई है चिट, आगे गांव का नाम और नर्मदा परिक्रमा मार्ग लिखा गया है। जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। इतने बड़े जंगल में पूछने के लिए कोई होता नहीं, और यही एक रास्ता है जो रास्ता नहीं चुकने देता परिक्रमावासी को। नर्मदे हर ग्राम बड़ेल में सुरेश काग जी के घर पे भोजन प्रसादी आज शाम की। और ये देखिए यहाँ पे परिवार कैसे बैठा हुआ है हमारी बातें सुनने। इन्होंने बहुत प्यार से खाना परोसा और प्रसादी बहुत अच्छी बनाई थी और बहुत सेवाभावी लोग हैं। आज इनके यहाँ एक प्रोग्राम है, सुरेश काग जी को पुत्र हुआ है, पुत्र ना ठीक, तो बाल मुकुंद जी के दर्शन करने हम आए थे आज और दर्शन भी बहुत सुंदर हुए। और एक बार फिर से दर्शन हम अपने व्यूवर्स को कराना चाहेंगे। आप ला सकते हैं देखिए कैसे बैठे हैं सब लोग। ऐसा प्यार मिलता है तो ये दादी जी है। ये बाल मुकुंद जी की दादी जी है। अच्छा ये दादी ये देखिए ये बड़ी वाली बुआ जी है। सोए अभी ये दादी जी। दादी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश होंगे। तो मौका मिला है। नहीं नहीं हमको दर्शन हुए, ये हमारा भाग्य है। हाँ हमारा भाग्य है कि हम आज ही आए और आज दर्शन मिले। ठीक भाग्य और हमारा सौभाग्य ना आपको। ठीक ठीक भाइयों आज मतलब अभी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद शिफ्ट हो गया, आज यहाँ आया है। अच्छा कल 3 महीने का पूरा हो जाएगा। तो मैं मैया से, नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के ऊपर, नर्मदा मैया की कृपा हमेशा बनी रहे। नर्मदे हरे।